अरे याद दिला दिया करो, रिकॉर्डिंग की शुरुआत नहीं करी। हेलो तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी थी तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ सब कुछ कि ए नंबर विच कैन बी रिटन इन ए प्लस आयोटा बी फॉर्म आर नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिख सकते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड को ऐसे लिखा जाता है, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा। इसमें ए को बोलते हैं, ए और बी ये दोनों ही रियल नंबर होंगे। देखो ए और बी, ठीक है, ए को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, इसको ऐसे लिखते हैं। बी को बोलते हैं, इस बी को इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, तो इसको आई एम जेड लिखते। अब ये एग्जाम्पल बता रखे इधर, ये सब एग्जाम्पल है। तो जितने भी रियल नंबर है वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे टू है, टू को ऐसे लिखते हैं टू प्लस आयोटा इंटू जीरो, तो ये भी ए प्लस आयोटा बी फॉर्म हो। थ्री है, थ्री को ऐसे लिख दिया थ्री प्लस आयोटा इंटू जीरो, तो ये भी ए प्लस आयोटा बी फॉर्म हो। ठीक है, तो अब देखो, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो एक सेकेंड में आपकी अटेंडेंस ले लूं पहले। 10 स्टूडेंट है, 10 नहीं 9 स्टूडेंट है। हाँ देखिए, सबसेट के बारे में जानते हो ना, एक बार पहले बताया था मैंने। सबसेट यानी उसका छोटा पार्ट। सबसेट का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, ये वाला साइन होता है सबसेट का। इसका मतलब होता है सबसेट ऑफ, जैसे यहां लिखा ना ए, तो इसका मतलब है ए इज सबसेट ऑफ बी, ये मतलब है। और सबसेट का मतलब ये जो ए है ये इस बी का एक छोटा पार्ट। ठीक है, तो अब इसी नोटेशन से देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, सबसेट होते हैं होल नंबर का। होल नंबर किसका पार्ट होते हैं, छोटा पार्ट एक इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट है, इंटीजर है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर किसका सबसेट है, रियल नंबर का। और रियल नंबर किसका सबसेट है, सी, सी का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको अगर मैं एक इसमें बनाऊं, देखो कितने, एक दो तीन चार पांच छह, कितने बन गए, एक दो तीन चार, और बना अब देखो। जैसे ये वाला तो हो गया एन, यानी ये तो एन है, इसके अंदर इस सर्कल के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर ऐसा है। ठीक है, फिर इस सर्कल में इसमें होल नंबर आ गया, यानी इस सर्किल में इस वाले पार्ट में होल नंबर है सारे के सारे। होल नंबर यानी इसमें जीरो होगा, इसमें बाकी सारे के सारे होंगे। ठीक है, ये सबसेट लिखने का भी एक मेथड है। एन फिर डब्लू फिर आई, इसमें सारे इंटीजर, ठीक है, इंटीजर फिर क्यूब फिर आर, एक और बनाना पड़ेगा।
आर के बाद ये हो गया ये वाला सी, सी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो ये ऐसे ऐसे बना रखे हैं ना, इनका मतलब ये है कि इसके अंदर इस सर्किल का, इस सर्किल के अंदर जितने भी नंबर है वो सारे हैं अंदर के सारे, इस वाले सर्किल में। जैसे देखो मैं दूसरे कलर से बता रहा हूँ समझाने के लिए, इसके अंदर तो सारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर ये सारे के सारे अब होल नंबर हो गए सारे के सारे, ठीक है। इंटीजर, इंटीजर यानी ये पूरा सर्किल है ऐसे, ये पूरा सर्किल इसमें इंटीजर है ये वाला, ये मतलब। तो ये भी सेट्स को, सबसेट को लिखने का एक मेथड होता है ये वाला। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा सेट कौन सा हुआ, सबसे बड़ा सेट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे सभी तरह के नंबर आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी तरह के नंबर आ जाते हैं, चाहे वो रियल हो चाहे वो रैशनल हो कुछ भी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है। यानी सबसे बड़ा, अगर आपसे कहें कि ऐसा कौन सा सेट है जिसमें सभी नंबर हो, इससे पहले तो आप क्या बोलते हैं, रियल नंबर में सब होते हैं, रेशनल इरेशनल इंटीजर नेचुरल होल नंबर फ्रैक्शन सब होते हैं। अब आप सोचोगे कि सर इसमें एक चीज रह गई है, जरा सोच के बताओ कौन से ऐसे नंबर है जो मैंने इसे मेंशन नहीं किए, एक नंबर रह गए जो इसे मेंशन नहीं किए हैं, कौन से हैं? जैसे नेचुरल नंबर होल नंबर ऐसे कौन सा नंबर रह गया है जो इसे मेंशन नहीं किया गया? इरेशनल, हाँ सही जवाब दिया। इरेशनल नंबर वो है जिनको इसमें नहीं लिख सकते, इरेशनल को इसमें नहीं लिखा, लेकिन ये जो है ना देखो इतना इतना पार्ट है, ये इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों ही है इसमें। या अगर मैं और अगर डिटेल में बताऊं तो ये जो पार्ट बचा ना देखो, ये वाला इतना इतना ये वाला, यस इसके अंदर सारे इरेशनल ही हैं, तभी तो वो इधर वाले इरेशनल और ये अंदर वाले ये सारे ये मिलके क्या बन गए, रियल बन गए, ठीक है। समझ में आ गया ना इतना? ये भी लिखने का एक मेथड है, सबसेट। देखो सी इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सी को हम ऐसे लिखते हैं। ये भी लिखने का मेथड है, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं छोड़ देना, बस मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ। सी इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर बिलोंग्स टू आर, और आयोटा क्या है, रूट ऑफ माइनस। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का मेथड है। किसी को कोई डाउट इसमें बोलो। अच्छा अब देखिए, अगर अब कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं देखो हमारे पास कि रियल और इमेजिनरी पार्ट पर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे ये कहा कि एक नंबर लिखा मैंने 2 माइनस 3 आया होता, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, तो इसमें रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट कितना है और इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा होता है, देखो स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, यहाँ पर देखो प्रीवियस, अगर इसमें जाऊं मैं, ए नंबर ए प्लस आयोटा बी फॉर्म ये रखा, इस ए को बोलते थे रियल और बी को बोलते थे इमेजिनरी, तो इसमें रियल कितना होगा, इसमें तो रियल हो जाएगा 2, और इमेजिनरी कितना, रियल पार्ट तो 2, इमेजिनरी पार्ट कितना, आयोटा का जो भी कोफिशियंट होगा जो भी मल्टीप्लाई में होगा आयोटा के साथ, आयोटा के साथ कौन है, -3 है, तो इमेजिनरी पार्ट -3। ऐसे ही ये लिखा,
या चलो वन प्लस आयो कर, इसमें रियल पार्ट है वन, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो भी मल्टीप्लाई में वो इमेजिनरी, तो कितना है वन है आयोटा के साथ मल्टीप्लाई। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट। इमेजिनरी सिर्फ बी होगा, ओनली बी, पिछले इसमें जाके देखो जरा इमेजिनरी क्या लिखा हुआ है इसमें, ये लिखा ना बी, ओनली बी, आयोटा नहीं होगा, पार्ट इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट का मतलब आयोटा का जो साथ जो मल्टीप्लाई में वो, आयोटा को नहीं लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट में, आयोटा काउंट नहीं होगा कभी। हाँ है तो रियल, तो पार्ट पूछा ना, ये थोड़ी का है रियल पार्ट, रियल पार्ट का मतलब वो एक पार्ट है जो उसका रियल है, इमेजिनरी पार्ट यानी वो वाला पार्ट इमेजिनरी। बी ए और बी दोनों है तो रियल नंबर ही, लेकिन इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर नहीं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर अगर कहेंगे तो आयोटा साथ में लिखा जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहेंगे तो आयोटा नहीं लिखा। क्लियर, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने, अब नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। देखो अब जैसे एक और लिखता हूं मैं सही, लेट जेड इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा अपॉन में आयोटा, देन फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये हमें फाइंड करना है जेड का रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब देखो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस आयोटा, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इस फॉर्म में लिखा होगा तभी बता सकते हैं कि रियल कितना है और इमेजिनरी कितना है। अब इस फॉर्म का मतलब क्या है, इस फॉर्म का मतलब आयोटा न्यूमरेटर में होना चाहिए, ओनली ओनली एंड ओनली इन न्यूमरेटर, ठीक है। इसमें देखो आयोटा जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसमें आयोटा डिनोमिनेटर में है, वन प्लस टू आयोटा डिवाइड में आयोटा, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया वन बाय आयोटा प्लस में टू आयोटा अपॉन में आयोटा, इधर तो ये कैंसिल आउट हो गया। वन बाय आयोटा याद करो मैंने क्या बताया था कि वन बाय आयोटा माइनस आयोटा होता, तो इसको ऐसे लिख दिया टू प्लस में माइनस वन इंटू आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब देखो रियल पार्ट ऑफ जेड, आर इज जेड रियल पार्ट, रियल पार्ट कौन सा होता है, जो विदाउट आयोटा होगा वो रियल, जो विद आयोटा होगा वो इमेजिनरी, तो विदाउट आयोटा कौन है टू, तो रियल पार्ट टू होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ क्या है माइनस वन है ना, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा माइनस। कोई डाउट इससे बोलो, अच्छा मैं एक
इस पे एग्जांपल लिखता हूँ, फटाफट आप बताना उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। देखो अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि जेड इक्वल टू 2 - 3 आयोटा अपॉन होता है, तो बताओ रियल पार्ट कितना है, सभी लोग बताइए, चैट बॉक्स है आपके पास उसमें लिखो रियल पार्ट कितना होगा। हर्ष गहलावत का आंसर आ गया, शिवम का आंसर आ गया, और मोनिका, लव, आदित्य, यश, आदित्य का भी आंसर आ गया, क्या बात है, तीन ही जनों ने आंसर दिया। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले 2/5 फिर माइनस 3i/5, तो रियल पार्ट ऑफ जेड तो हो गया 2/5 यानी जो विदाउट आयोटा होता है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3/5। ठीक है, आयोटा के साथ जो भी होगा चाहे वो प्लस का साइन के साथ हो या वो माइनस के साइन के साथ, तो ये हो जाएगा इसका रियल और इमेजिनरी। चलो अब इसके एक और पूछते हैं आपसे, इसमें बताइए रियल कितना होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड फटाफट बताओ सॉल्व करके, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, ये लिखा हुआ है -1 + i/(-2i), शिवम का आंसर आ गया, शिवम डाबास का, यस सिसोदिया बेटा जवाब दो, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ जेड, शिवम ने और हर्ष दो ने आंसर सही किया, वन बाय टू। चलो देखते हैं, देखो क्या आएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ पहले, क्योंकि सिंप्लीफाई करके ही तो जवाब दे पाएंगे, ऐसे तो कैसे देते हैं। तो देखो इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया, -1/(-2i), फिर प्लस में i/(-2i), इधर तो ये कैंसिल हो गया, 1/(2i) बच्चा, इधर आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो 1/2 बचा, और थोड़ा सा देखो यहां सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 1/2 × i/(1i) कितना होता है, माइनस का आयोटा प्लस 1/2 क्या हुआ, अच्छा यहाँ माइनस का 2 आएगा, -2i, तो यहां पर भी ये -2 है, यहाँ हो जाएगा ये अब माइनस, तो यहाँ माइनस का 1/2, तो -i/(2) पर माइनस का 1/2, तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो गया, माइनस का 1/2। ठीक है, तो जिन्होंने -1/2 आंसर दिया था उनका बिल्कुल करेक्ट था, जिसने 1/2 लिखा है उनके थोड़ी सी गड़बड़ थी, माइनस की गड़बड़, हालांकि माइनस से गड़बड़ थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है, जब सोचो आपके मार्क्स 50 आ रहे हैं और उन्हीं को आगे माइनस लगा दें तो माइनस के 50 मार्क्स।
माइनस की एक गड़बड़ बहुत बड़ी होती है वैसे। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा आपको, रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे लिखते हैं। हमेशा पहले ये देखो कि वो नंबर, रियल और इमेजिनरी लिखने से पहले ये देखो कि वो नंबर इस फॉर्म में है या नहीं। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। इस फॉर्म में है तब तो राइट आंसर दे देंगे, इस फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, जब वो इस फॉर्म में आ जाएगा तो ही आंसर देंगे कि रियल पार्ट कितना है और इमेजिनरी पार्ट कितना। क्लियर है सभी को? ओके, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी अब हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। शाम को आज लेंगे डाउट क्लास, तो हर्ष उसमें अपने डाउट क्लियर कर लेना, फिर जो बच सके। ठीक है, आज लेंगे डाउट क्लास।